Hello friends, welcome to this video and my channel English to Tech. And as you know that today we will talking about the children at a play written by Azuma Godin. Okay, so let's start. बिना time waste करें हम लोग play जो essay इसको start करते हैं. इस essay में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज़ बताया गया. इसमें एक हैरियट नाम की एक छोटी सी लड़की है जो कि छोटे से बड़ी होती है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है. कोई भी उसके आंसर्स को बताना नहीं चाहता है, उसके क्वेश्चन को आंसर्स को बताना नहीं चाहता है. एट लास्ट में होता क्या है कि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और लास्ट में होता है कि ये लड़की जो है उसको अपने तरफ से ही खुद से सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. तो हम लोग इसे में यही चीज़ पढ़ेंगे जो कि स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है. और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है. अगर आप लोगों को लैंग्वेज ठीक लगती है तो आप इसको नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं अपनी. अदरवाइज आपके पास आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप उसको भी अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उसको भी लर्न कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर काम समझाने का, सो मैंने इसकी हिंदी आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने का ट्राई करता हूँ. और एट लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने इसकी हिंदी समरी भी दे रखी है, तो अगर आपके थोड़ा ज़्यादा डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर दिखा है ज्यूमर गडिन. यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ठीक से गडिन मैं बोलूँगा, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग. तो इस राइटर ऑफ बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कुछ बोलते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको गडिन बोलूँगा. तो ज्यूमर गडिन इज़ अ राइटर ऑफ अ ग्रेट नेम एंड फेम. ये जो राइटर हैं बहुत ही ज़्यादा नाम और पैसे वाले इंसान हैं. ही ऑलवेज वेरी कन्विंसिंग एंड थॉट्स ऑफ एंड आइडियाज़. बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं, उनके आइडियाज़ भी बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, उसके बाद में हिज स्टाइल, बहुत ही उनकी स्टाइल जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी स्टाइल है. चिल्ड्रन एट अ प्ले इज आउट स्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएशन ऑफ अ ज्यूमर गडिन. वो बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएशन है ज्यूमर गडिन के द्वारा लिखी गई. ठीक है, जो कि स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है ये एसे. ठीक है, इन दिस एसे देयर वॉज अ गर्ल. इस एसे में हम लोग सीधे इसकी समरी पर आएंगे कि इस एसे में है क्या. इन दिस एसे देयर वॉज अ गर्ल हैरियट. इनका आप नाम याद रखिएगा, हैरियट, हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है. सी हैड टू सिस्टर्स, नन एंड विक्टोरिया. इसके पास दो सिस्टर्स होती हैं, नन एंड विक्टोरिया. सी ऑल्सो हैड अ ब्रदर बॉगी. ठीक है, यहाँ पर बॉगी लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा. सी ऑलवेज फाउंड हर फैमिली मेडिंग. वो अपनी फैमिली को हमेशा जब देखो तब में मेडनिंग. ठीक है, इसका मतलब होता है कि बोले तो कि कोई चीज़ नहीं ना पसंद करने वाली. ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर कंसाइडर करेंगे कि अलग सा पाना. ठीक है, तो वो अपनी फैमिली को खुद के लिए अलग सा पाती है. ठीक है, हर फादर यूजली रिमेंस बिजी. वो उसके जो फादर्स होते हैं वो हमेशा जब देखो तब बिजी रहते हैं. ही हैड नो टाइम फॉर हैरियट. उसके पास में हैरियट के लिए टाइम नहीं होता है. और फॉर एनी वन ऑफ द सिस्टर्स और ब्रदर. उसके दो और बहनें होती हैं, एक भाई और भी होता है, तो उसके उनके लिए सबके लिए टाइम नहीं होती है. ठीक है, सो सी फाउंड हर मदर बिजी विद द हाउस. और वो अपनी माता को पाती है कि वो अपने घर के कामों में ही व्यस्त हैं. ओके, और उनको नेक्स्ट बेबी और होने वाला भी होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं. हैरियट नेचर वॉज अ बिट. यहाँ पर से हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. तो ये है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट जो हैरियट है उसका जो स्वभाव है अपने सिस्टर्स से और अपने भाइयों बहनों से थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, क्या है डिफरेंट. सी ऑलवेज आस्क अ पिक्युलर. इसका मतलब होता है कोई भी स्ट्रेंजर क्वेश्चंस. वो हमेशा जब देखो तब कोई ना कोई स्ट्रेंज वे में कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा करती है. सी ऑफ्टन इंगेज्ड हरसेल्फ. वो अपने आप को खुद में महसूस करती है, मतलब उस चीज़ में पाती है. ऑफ्टन वो प्रायः अपने आप को उन सवालों में उलझा हुआ पाती है पिक्युलर डिस्कशंस के बारे में. हाँ, तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी. तो हाफ ऑफ द हैरियट, जो आधी हैरियट है, जैसे कि कोई भी बच्चा होता है जब वो बड़ा होता है तो थोड़ा बच्चा बचकानी हरकत करता है, थोड़ा सा बड़ा बन वाली हरकतें करने लगता है. तो हाफ ऑफ द हैरियट वॉन्ट टू स्टे एज अ चाइल्ड. जो आधी हैरियट है वो थोड़ा सा बच्चे की तरीके रहना चाहती है, लेकिन जो अदर आधी हैरियट है उसके मतलब मन से रिलेटेड है. आधी आधी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मन से रिलेटेड है. जो थोड़ा सा हैरियट जो है थोड़ा सा ग्रो कर रही, तो उसके साथ ही साथ कुछ उसके क्वेश्चन भी बढ़ेंगे. वॉन्ट टू द ग्रो अप. और वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी होना चाहती है, तभी तो क्वेश्चन उसके मन में आ रहे हैं. सी ऑफ्टन आस्क वॉट दे शुड बिकम. वो हमेशा जब देखो तब यही पूछा करती है कि पता नहीं क्या मैं बनूंगी, वॉट हमें क्या बनना चाहिए, वॉट शुड बिकम वेन दे ग्रो अप. जब हम जब बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे बताओ, इस तरीके से लोगों से पूछा करती. लेकिन नो वन इज देयर कि कोई उसको उसके आंसर्स से नहीं बताना चाहता. ठीक है, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहता. सभी लोग अपने अपने में व्यस्त रहते हैं. सो यहाँ पर लिखा है कि हैरियट हरसेल्फ वांटेड टू बिकम अ नन. अब जो हैरियट है वो खुद ही नन बनना चाहती है, मतलब अपनी बहन की जैसा बनना चाहती है. और अ डॉक्टर, या तो फिर वो डॉक्टर बनना चाहती है. समटाइम्स सी ऑल्सो वॉन्ट्स, वो कभी कदर क्या बनना चाहती है, समटाइम्स सी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट डांसर. वो कभी कदर डांसर बनना चाहती है, पॉलिटिशियंस भी बनना चाहती है, और अ पोइट भी बनना चाहती है.
हैरियट फेल्ट लॉनली इन हर लॉनलीनेस, मतलब अब उसने आपको खुद बहुत ही ज़्यादा लॉनली, मतलब अकेला, लॉनली का मतलब ये होता है अकेला, ठीक है, तो उसने आपने अपने आपको खुद बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस किया, हर लॉनलीनेस लॉनलीनेस हैरियट वॉज ड्राइव्ड इन टू अडॉप्ट प्लेसेस, अब उसने अपने खाली समय में बहुत अकेलेपन में डिफरेंट डिफरेंट उसने प्लेस बना रखे थे कि चलो भाई अब मेरा इधर जाने का समय है, इधर जाने का समय है, यहाँ बैठ लेते हैं खाली समय में, तो देयर वॉज हर कभी होल, तो खाली समय में वो क्या करती थी, एक कभी होल उसने बना के रखा था अंडर द स्टेयर्स, जीने के नीचे, जीने चढ़े उतर जाते हैं उसी के नीचे उसने एक कभी होल बना करके रखा हुआ था, ओके, सो हैरियट लाइक टू सिट ऑन अ एंड ऑफ इट, और वो जो हैरियट थी उसके ऊपर वो उसके लास्ट में बैठना भी चाहती थी, सो यहाँ पर लिखा है कि हैरियट ऑल्सो हैड एन एफिनिटी विद अ कॉक ट्री, और एफिनिटी मतलब कि उसको कॉक ट्री, एक उसके गार्डन में कॉक ट्री था उसके साथ में उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, एफिनिटी उससे ज़्यादा स्नेह था, प्यार था एक उस ट्री से, ठीक है, सी लाइक्ड, वो जो हमेशा थी वो लाइक करना, वो उस पेड़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वहाँ पर जाना पसंद करती थी, सी लाइक्ड टू गो टू द कॉक ट्री, वो वहाँ कॉक ट्री के पास जाना पसंद करती थी, अंडर द कॉक ट्री वो उसके नीचे बैठना पसंद करती थी, एंड सी एंजॉयड टू, और सी एंजॉयड टू हियर रिवर वाटर, और उधर से जो पानी बह रहा होता था नदी का, रिवर का वाटर, उसको भी इंजॉय करा करती थी, ठीक है, सी द फॉलोइंग वाटर हेल्प हर थो टू फ्लो, जो बहता हुआ पानी था उसको उसकी थॉट्स को बहाने में वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता था, उसको खुद वही बहते हुए पानी से ही अपने आंसर्स मिलते थे, ठीक है, सो हैरियट इज़ अ सेंसिटिव गर्ल, वो जो हैरियट थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव गर्ल थी, सी फील समथिंग व्हेन सी सीज जॉन सिटिंग, अब ये जॉन कौन है भाई, ये इस स्टोरी में बताया नहीं गया, लेकिन हाँ ये शायद उसके बोले तो जो नन है उसका उसका फ्रेंड है, ठीक है, तो हैरियट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, उसने बहुत कभी कदार देखती थी, समटाइम्स का मतलब कभी कदार देखती थी, सी सीज जॉन सिटिंग्स बाय नन, वो जन नन के पास में, उसकी बहन के पास में जो जॉन था बैठा करता था, वो बार बार आता जाता रहता था, ठीक है, तो उसको चीज़ पसंद नहीं थी, सी डिसलाइक्स, और एक ये वेलियर नाम की एक और भी कोई लड़की थी, तो उसको ये ना पसंद करती थी, ठीक है, सो सी डज नॉट वॉन्ट टू जॉन टू कम, वो नहीं चाहती थी कि जॉन बार बार आए, हर मदर टेल्स हर अबाउट जॉन, उसकी माता ने उसके जॉन के बारे में बताया कि ये कैसा इंसान है, अच्छा है, तब उसने जाके उसके ऊपर सहानुभूति दर्शाई, ठीक है, तो देन सी फील सिंपैथिक, तब उसने जाके सिंपैथिक कुछ सहानुभूति का अनुभव किया उसके प्रति, नाउ सी फाइंड्स हिम गुड लुकिंग, अब जब उसकी माता ने बताया कि नहीं वो एक अच्छा इंसान है, तुम इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, तब जाके वो उसको उसकी तरफ उसका जो देखने का नज़रिया था उसका उसको अच्छा लगा, और वो अब उसको एक अच्छा इंसान लगने लगा था, इन दिस वे द एसे चिल्ड्रन एट अ प्ले इज़ अ, इस तरीके से जो एसे है चिल्ड्रन एट अ प्ले वो बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बताता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग चाइल्ड मतलब उसने तभी ये बताता है कि ये जो ग्रोइंग चाइल्ड किस तरीके से लड़की बढ़ रही है, इसके साइकोलॉजिकल के बारे में बताता है, ठीक है, इन दिस वे वी कैन सी, इस तरीके से हम देख सकते हैं दैट इन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हैरियट पुट्स अ क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट की स्टोरी में जो हैरियट है उसने क्वेश्चन पुट करती है सभी लोगों के सामने कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, टू हरसेल्फ खुद से ही क्वेश्चन करती है और टू अदर्स और दूसरों से भी क्वेश्चन किया करती है, ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट में हम क्या देखते हैं, डिस्क्राइब हैरियट सिचुएशंस, और हम उसकी सिचुएशंस को देखते हैं कि अकेलेपन में वो क्या करती है, कि किस तरीके से वो नदियों के पास जाती है और जीने बना के रख, जीने में उसने जो कभी हाउस बना करके रखा हुआ है उसमें बैठती है और उस वाले ट्री के पास में जाती है, एंड इन थर्ड पार्ट और लास्ट के पार्ट में हम क्या देखते हैं कि हैरियट ट्राई टू गेट एन आंसर फ्रॉम आउटसाइड, और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि अब उसको खुद से ही बहते हुए पानी से और खुद से ही धीरे धीरे खुद के उसके सॉल्यूशंस मिलने लगे हैं, तो ये कुछ ऐसा था जो कि मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन फिर भी अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है, तो थैंक्स फॉर